हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लास ट्वेल्थ के जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। और ये फ्रेंड्स, जो मॉडल पेपर मिलेगा आपको 2021 के सिलेबस के अनुसार, यानी कि जो 70% सिलेबस था उसी के अनुसार यह मॉडल पेपर बनाया गया है। उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पूरे यानी कि कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी साथ में दे दूंगा। यानी कि इसका पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यानी कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से हल करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो और चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। अभी फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 नंबर का सिलेबस, यानी सॉरी फ्रेंड, 70 नंबर का पेपर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि समय भी है 3 घंटा 15 मिनट का, यानी 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुविकल्पी पहला क्वेश्चन हमारा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। जी हाँ दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है। तो इसमें सही ऑप्शन है फर्स्ट वाला, AAXO। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें फल जो सही आंसर होता है वही लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, उपदंश उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार दो ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। दो ऑप्शन देख सकते हैं नीचे है और दो ऑप्शन, मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे इसके इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूँ कि पहला ऑप्शन इसका सही है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि निम्न में से संक्रामक रोग है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपको मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है हैजा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी गांव में एक एक व्यक्ति को हैजा हो गया तो पूरा का गांव गांव साफ हो जाते हैं। यानी कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यानी कि संक्रामक बीमारी है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे क्या है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए हाइब्रिडोला तकनीक की खोज की थी। तो नीरन बर्ग खुराना ने, जेम्स एलरिक ने, जॉर्ज कोहलर ने, जेम्स ग्रिफिथ ने। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसकी आप तैयारी भी पता चल जाएगी, आपकी तैयारी कितनी है। तो इसको आप जरूर खोज के बताइए मुझे, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और मेंडल यानी कि इसको देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए पादप के किस भाग से, तो मैं आपको बता दूं निषेचन के पादप से बीजांड भाग से। ठीक है, बीजांड, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ बीजांड। ठीक है, स्क्रीन पे आप बीजांड देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं और बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आधा नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। मेंडल द्वारा कराए गए द्विसंकरण में यफन पीढ़ी में प्राप्त फिनोटाइप बताइए। देखिए फ्रेंड, यानी फिनोटाइप का मतलब कि लक्षण, इसमें जो मेंडल ने द्विसंकरण कराया था उसके बाद कौन कौन से लक्षण प्राप्त हुए थे, उन्हीं लक्षण को यानी कि एक या दो लक्षण को लिखना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं HIV विषाणु क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। ये HIV विषाणु क्या होते हैं, इसे आप बता लीजिए। आप आपके बुक में दिया होगा दूसरे चैप्टर में, यानी कि मानव, सॉरी फ्रेंड्स, मानव जो मानव कल्याण में ये जो सूक्ष्म जीव है उसमें आपको मिल जाएगा, हो सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। यानी देखिए फ्रेंड, मैं इसका परिभाषा आपको बता देता हूँ। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि वह साधन जो मानव के कल्याण में उपयोगी होते हैं उन्हें मानव जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा यानी कि जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी मानव के कल्याण में उपयोग किया जाता है उन्हीं को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। हम लोग बात करते हैं टाइफाइड के लक्षण क्या है। तो टाइफाइड के लक्षण आप जान सकते हैं कि यानी कि कभी जैसे बुखार हमेशा नहीं रहेगा, मतलब एकाक कभी कभी हर समय बुखार नहीं होना, और यहाँ पे नींद में कमी होना। ठीक है, और यहाँ पे शरीर का कमजोर होना, मतलब ये दो तीन लिखेंगे को तो एक नंबर मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं उत्परिवर्तन क्या है। यानी कि देख सकते हैं कि जब क्रोमो यानी गुणसूत्र में कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे उत्परिवर्तन उसे होते हैं। ठीक है, ये दो नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप कर लीजिएगा। मतलब बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, दो नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्राफीन पुटिका क्या है, तो ग्राफीन पुटिका बता देंगे कि या इंद स्त्री, यानी कि ग्राफीन पुटिका में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ग्राफीन पुटिका में ही, और अंडोसर्ग में इसकी क्या भूमिका होती है,
यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिससे अंडाणु को उत्सर्जन की सॉरी बड़े उत्सर्ग यानी कि त्यागने में आसानी होती है, बाहर आने में अंडाणुओं को आसानी होती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं जैविक खाद्य क्या होती है, एक उदाहरण दो, ठीक है, ये देख लीजिए आप। और वह कौन सी परत है जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, इसके इस परत के अपक्षय के बारे में बताइए। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर कौन सा परत है ये बता देंगे, और अपक्षय के कारण यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, यानी कि इसका ह्रास होता है। तो ये मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। और बायो पायरेसी सिंपल है, ये आपको 6वें चैप्टर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मेंडल के नियमों के बारे में, बताइए मेंडल के नियमों के, इसमें मेंडल के 3 नियम हैं, तीनों नियम को आपको बारे बारे से बता देना है। और बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो आपको अपूर्ण प्रभाविता क्या है इसकी खोज आपको बता देनी है, ठीक है, मेंडल ने की थी। और यहाँ पे यानी बहुत ही सिंपल इसमें, और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोगी एंजाइमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं, इनमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं, तो मरुस्थली पौधे बोलते हैं, और इसमें जो है इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, इन पत्तियों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि निम्न में से रोगों के संक्रामक रोग कारक के नाम बताइए, ठीक है, यानी देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान है और इसे आप याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मलेरिया का इसके रोग कारक का नाम लिखना है, यानी कि देखिए फ्रेंड आधा नंबर का 6 क्वेश्चन यानी कि लगभग 10-12 रहेंगे इसमें, आपको देखिए 6 क्वेश्चन 6 और आधा आधा नंबर मिलेगा आपको, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। सुजाक की निद्रा रोग, पील भाव और दाद, पोलियो, और भी और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वृद्ध रोधक का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए यहाँ पे अगले स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए कौन सा फल चुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे संतरा हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, मतलब कौन सा फल चुनते हैं, यानी कि आप कोई भी फल चुनेंगे लेकिन उसके बारे में बताएंगे कि क्यों किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और डाटा बुक है क्या है इसके लिए 3 नंबर, जीएम फल से लिए क्या है, और यहाँ पे आप स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं कि बंधता है, ये बंधता वाला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए पहला चैप्टर से, देखिए फ्रेंड्स जो आपकी हम लोग सिलेबस है उसमें पहले चैप्टर मिल जाएगा, स्व परागण और परपरागण में क्या अंतर है, ठीक है, और बंधता क्या है, स्त्रियों में बंधता के कोई 4 लिखे, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लेंगे। और पीसीआर क्या है, पीसीआर से यानी कि कैरी मुलिस ने जो पीसीआर की खोज की थी उसे आप बता देंगे, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे द्विबीजपत्री पादपों निषेचन एवं भ्रूणों, यानी कि देखिए पहले चैप्टर से है फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ पे देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मादा जनन अंग का एक स्वच्छ चित्र बनाइए, ठीक है, मादा जनन अंग का एक स्वच्छ चित्र बनाइए, तो यहाँ पे देखिए नर जनन और मादा जनन का एक बहुत ही ज्यादा फिगर वाला, ये इसमें फिगर बनाना था, ठीक है, यानी कि चित्र बनाना था, चित्र बना करके आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये यानी कि मादा जनन अंग और नर जनन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरा भी इसकी मत करके अभी देखते रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या जैव प्रबली किरण किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों तथा विधियों का वर्णन करते हुए इसके लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं जैव प्रबली हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और यदि आप इसके बुक में भी मिल जाएगा आपको, और यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा तो आप नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि अथवा दिया है पुष्पी पादपों में पर परागण की विभिन्न नियुक्तियों का, यानी कि देखिए फ्रेंड जो कीट परागण होता है, वायु परागण होता है, और यहाँ पे मतलब कीट परागण, वायु परागण तथा जल परागण, और फ्रेंड्स मतलब इस प्रकार के 2-3 परागण होते हैं, इसमें आप थोड़ा से बिछे यानी कि संक्षेप में थोड़ी थोड़ी लिख देंगे, 2-4 लाइन, तो आपका समझ लीजिए 2.5-3 पेज, 2.5 पेज लिख देंगे आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, तो आपको इतना 2.5 पेज लिखना है। और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन का आपको बता दिया थोड़ा विस्तार से कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, चीज़ें हैं तो सारा कुछ आपको बता दिया। इसकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और किसी भी विषय का मॉडल पेपर चाहिए तो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।